Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, I will discuss a very important topic, that is data sufficiency. Data sufficiency के अंदर से quantitative aptitude के questions भी आते हैं, साथ में logical reasoning के questions भी आते हैं. तो आज की इस क्लास के अंदर मैं logical reasoning के कुछ important questions आप लोगों के साथ discuss करूंगी data sufficiency पे based. Okay? तो सभी ने वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सभी जल्दी से शेयर कर देंगे. अब देखिए जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है, और साथ में आपके पास में टू या थ्री स्टेटमेंट्स गिवन. अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए गिवन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, ओके, कौन कौन सी सफिशियंट है कि आप उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर. तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना कैसे, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपने उसका आंसर निकालना है, कि भी क्वेश्चन को आपको पूरे को सॉल्व करना है. यू शुड नो कि हमारे पास जो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है उनके बेस पे आंसर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर हमें पता है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी इसका आंसर क्या आएगा. डन. बट अभी मैं सारे आपको सोल्व भी करके दिखाऊंगी, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे हम साथ साथ सोल्व भी करेंगे. अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्वेश्चन क्या है, गौरव रैंक्स 18th फ्रॉम टॉप इन क्लास, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट. तो उसका रैंक लास्ट से क्या है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक साइड से उसका रैंक पता है और टोटल आपको पता है, टोटल आपको पता है यू नो वन साइडेड रैंक, तो सेकेंड साइड से आप उसका रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पीपल हो, ठीक है. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट पे कि कहां से मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल रहे हैं. अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल रहे हैं वहां से मुझे पता चल जाएगा कि इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ओके. अब देखिए क्या है, कह रहा देयर आर 47 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. अब यहां से मुझे क्या पता चल गया कि 47 टोटल है जिसके अंदर से गौरव का रैंक 18th है फ्रॉम टॉप. तो बॉटम से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ. दैट मीन्स कि दिस इज सफिशियंट, ओके. अब अगर मान लो मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट सफिशियंट है, के अलावा आपने सेकंड भी चेक करनी है. ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप रुक गए और आंसर कर दिया कि हाँ जी फर्स्ट इज सफिशियंट, देन गो फॉर द सेकंड. जब आप सेकंड देखते हो तो सेकंड में मुझे क्या पता चला, क्या कह रहा है, जतिन सम अदर पर्सन जतिन हु रैंक्स 10th इन द सेम क्लास रैंक्स 38 फ्रॉम द लास्ट. अब यहाँ पे उसने एक थर्ड पर्सन है जतिन, उसके बारे में बताया कि भी उसका एक साइड से रैंक 10th है और दूसरी साइड से उसका रैंक कितना है, 38th है. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और जैसे मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए, आई कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ गौरव. दैट मीन्स की विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट आई कैन ऑल्सो आंसर. दोनों से हम आंसर कर सकते हैं, ओके. अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम कि दोनों की जरूरत है, नहीं. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम जी फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे भी मैं आंसर कर सकती हूँ, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है उससे भी मैं आंसर कर सकती हूँ, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ईदर वन और टू इज सफिशियंट. क्या कहेंगे, ईदर वन और टू इज सफिशियंट. क्लियर है सभी को, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो सोल्व करके बताऊंगी मैं. साथ में सोल्व में इसलिए कर रही हूँ कि आपका डाटा सफिशियंसी के साथ साथ में जिस भी टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, जैसे कि ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक भी कहीं ना कहीं आपका कुछ क्लियर हो जाए, ओके. तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं रैंक की, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, गौरव का रैंक 18th है कहाँ से, टॉप से, और क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है टोटल, 47. अगर टोटल 47 है तो बॉटम से उसका रैंक क्या होगा, तो बॉटम से उसका रैंक क्या होगा, हाँ जी रैंक कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल माइनस रैंक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड प्लस वन, ओके. तो यहां से मुझे क्या पता चला कि क्या आ गया आपके पास में, 30th. कौन सा रैंक है उसका, 30th रैंक. क्लियर. अब बात करते हैं सेकंड की, जब सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि थर्ड पर्सन है जतिन, ठीक है. अब जतिन का रैंक सेम क्लास के अंदर टॉप से कितना है, 10th, और अगर हम बॉटम से देखें तो उसने क्या कहा, 38th फ्रॉम बॉटम एंड 10th फ्रॉम टॉप. अब यहां से हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की टॉप डाउन लेफ्ट राइट, टॉप डाउन पोजीशन हो या फिर लेफ्ट राइट पोजीशन गिवन हो,
इन दैट केस यू कैन एड द पोजिशंस एंड माइनस वन. ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल कैसे मिल गया, 10 + 38 - 1, दैट मीन्स कितना आ गया, 47. अब जो 47 है तो 47 से तो हमें फाइंड आउट करना ही आता है कि भाई टोटल 47 स्टूडेंट है, यही मिल गया मुझे, टोटल 47 स्टूडेंट्स है, 47 में से गौरव का रैंक कौन सा, 18th फ्रॉम टॉप, दैट मीन्स कि बॉटम से कितना हो गया उसका, 30th. क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट, आई होप सभी को क्लियर है. अगर डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया. देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी सन्स डज डी हैव, डी के कितने सन है. अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट. अब जब भी आपके पास डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर आपने एक पॉइंट का ध्यान रखना है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करो, ठीक है, किससे मेरा आंसर आ जाएगा, उसके साथ में सेकेंड को डायरेक्टली मर्ज नहीं करना है, उसके बाद सेकेंड को चेक करो क्या मैं उससे आंसर कर सकती हूँ, उसके बाद में अगर दोनों से आंसर नहीं आ रहा है देन मर्ज बोथ स्टेटमेंट्स. ओके, अब यहां पे देखो क्या कहा है उसने, ए इज फादर, ए इज फादर हैज 3 children, ए के फादर के कितने हैं, 3 children, यहां पे ए का फादर है, ठीक है, उसके 3 children है, दैट मीन्स एक तो ए हो गया, दो और हो गए. तो अब ये बताओ क्या मुझे इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए के कितने सन है, नहीं पता चल रहा, मे बी कि जो बाकी के दो हैं वो डॉटर भी हो सकती हैं, ए का भी मुझे नहीं पता कि ए इज सन और डॉटर. ओके क्लियर, तो यहां से हमें नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स कि फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट. अब दूसरा, बी इज एज ब्रदर एंड सन ऑफ डी, बी इज एज ब्रदर, बी इज एज ब्रदर, ए का भाई है ये पता चल गया, ठीक है. अब साथ में उसने क्या कहा, बी इज एज ब्रदर एंड सन ऑफ डी, सन ऑफ डी दैट मीन्स कि यहाँ पे डी है, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे इनका फादर है, क्लियर. अब यहाँ पे ये इसका फादर भी हो सकता है बेटा और मदर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे डी लिखा है. दैट मीन्स कि अगर मैं देखूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे भी मुझे नहीं पता चल रहा कि भी डी के कितने बच्चे, सॉरी कितने बेटे हैं, बच्चे तो उसने बता दिया कि हाँ जी फर्स्ट से कि हाँ जी 3 children है, बट बेटे नहीं पता चल रहा. इसी तरह से हमें सेकंड से भी नहीं पता चल रहा, सेकंड में तो इवन ये भी नहीं पता चल रहा कि कितने चिल्ड्रन है. ओके, दैट मींस कि सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है. अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या करना, दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करना है, दैट मींस कि यहां पे मुझे पता चला कि भी ए और बी दोनों का फादर कौन है, डी, दैट मींस कि दिस इज डी. ओके, डी और ए कौन हो गया उसके अंदर, बी और सी के बारे में हमें, जो तीसरा पर्सन है उसके बारे में हमें नहीं पता. ओके, अब दोनों को कंबाइन कर दिया फिर भी मुझे नहीं पता चल रहा कि ए जो है ही सन और शी इज डॉटर, पता नहीं कि भी सन है या डॉटर है. सेम वे जो थर्ड है, थर्ड वन कौन है, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ बोथ द बोथ स्टेटमेंट्स वी कांट आंसर, दोनों की हेल्प से भी हमने आंसर कर सकते हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नीदर वन नोर टू इज सफिशियंट, दोनों में से कोई भी सफिशियंट नहीं आंसर करने के. क्लियर, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्या है, विच कोड वर्ड्स स्टैंड फॉर गुड, कह रहे कि गुड का कोड क्या होगा. इन द कोडेड सेंटेंस सिन को बाय विच मीन्स ही इज गुड, एक आपके पास में कोड गिवन है एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए, ही इज गुड. ओके, अब दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें गुड का कोड फाइंड आउट करना. पहले है इन सेम कोड लैंग्वेज को मोट डेट मींस दे आर गुड. अब इन दोनों को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि गुड जो है वो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है. अगर गुड कॉमन है दैट मीन्स बट कि इसका जो कोड है वो भी कॉमन रहेगा, दोनों में कोड भी कॉमन रहेगा. तो अब देखते हैं कोड के अंदर से, यहाँ से हमें मिल रहा है कि भाई को इसमें भी है और को इसमें भी है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि गुड का कोड क्या है, को है. दैट मीन्स बट कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर. ओके, बट जैसे मुझे ये मिला तो हमने इसको टिक नहीं करना है, वी विल गो फॉर द सेकेंड वन. जब सेकेंड के लिए आप जाते हो, सेकेंड में देखो क्या कह रहा है कि इन द सेम कोड लैंग्वेज सिन मिक बाय मींस ही इज ऑनेस्ट. साथ में गिवन क्या है आपको, सिन को बाय मींस ही इज गुड. अब यहां पे हमने देखा कि ही इज, हां जी
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज यहाँ पे भी है, ठीक है, और ही इज यहाँ पे भी है. दैट मीन्स कि जो ही इज है उसका कोड दोनों में कॉमन होगा. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिन बाई, सिन बाई यहाँ पे भी है और सिन बाई यहाँ पे भी है. दैट मीन्स कि सिन बाई इज द कोड फॉर हिज गुड. ही एंड इज का कोड हो गया. गुड पेंडिंग है, गुड पेंडिंग है. दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग इज द कोड फॉर द रिमेनिंग वन. ओके, दैट मीन्स कि सेकंड से भी आप आंसर कर सकते हो. ओके, क्या हो गया आपका कि यहां से भी मुझे क्या मिला कि इसका कोड क्या है. अब यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे कि भी पहले से भी हम आंसर कर सकते, सेकंड से भी, तो दो तो हम टिक कर नहीं सकते. तो क्या करना है आपने इसके लिए, जब भी इस तरह से आता है, अगेन यू विल आंसर ईदर वन और टू इज सफिशियंट, ईदर वन और टू इज सफिशियंट. ओके, बताइए किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को? हाँ जी, कोई किसी को डाउट आ रहा हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर. ओके, there is an important information for all of you. Abhipedia launches a special crash course for all of you, so that ki aap minimum time ke andar CSAT ke exam ko qualify kar sako. If you join this course and you cover only 60%, even you cover only 60%, you can easily qualify your exam. Okay, iske alawa the students who are looking for a test series, Abhipedia is also providing a test series of 20 tests in which we include complete mock and the sectional test also. Sectional test ka purpose kya hai ki agar aap quantitative aptitude prepare kar rahe ho, then sectional test aapke quantitative aptitude ke alag se hain. Logical reasoning ke tests hain, English ke test hain, and you also get complete mock. Okay, to jinko complete mock ki requirement hai, they can go for this. एंड जिनको स्पेशल क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ओके, हाँ जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में? हु अमंग पी क्यू टी वी एम इज एग्जैक्टली इन मिडल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. ओके, आपको क्या बताना है कि मिड में कौन है. अब स्टेटमेंट दो है, क्या V is taller than Q. पहले क्या कहा उसने, V is taller than Q. यही है, V is taller than Q. But shorter than M. कौन? V. V is shorter than M. अब देखिए क्या इसके हेल्प से आप बता सकते हो कि मिड में कौन है. जब तक हमें कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं मिल जाती हम नहीं बता सकते. ओके, देन चेक फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट. अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, T is taller than Q. T is taller than Q and M. दोनों से, Q and M दोनों से taller है, but shorter than P. But shorter than P. That means T is shorter than P. अब यहां से भी देखिए, क्या हम बता सकते हैं? नहीं find out कर सकते. That means कि series नहीं बन रही. अभी जब भी इस तरह से आता है कि हाँ जी फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करना है, दोनों को मर्ज कर देना है. हमने दोनों को कंबाइन करके देखो कि क्या अब हमारा प्रॉपर पैटर्न बन रहा है. तो यहाँ पे देखिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हमें क्या मिला, एम बी टी क्यू. ठीक है, अब यहां से ही हमें और एक पॉइंट मिल रहा है कि जो पी एंड टी डन, तो इसको हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. ये एम है, ठीक है. अब M के आगे यहां पे क्या कह रहा है, T आएगा. M से पहले कौन आएगा, T आएगा, और T से पहले कौन आएगा, P आएगा. बट यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, Q एंड M. क्या कह रहा है, Q एंड M. Q तो ऑलरेडी यहां पे सेट है, अब किसका आ रहा है, M के लिए. दैट मीन्स कि M फिर कहां पे आ जाएगा, M आपका यहां पे आ गया. ओके, तो ये अपने 5 के 5 यहां पे सेट हो गया. क्लियर है पॉइंट? हां जी. अब यहां से हम बता सकते हैं कि मिड में कौन है. मिड में दिखाई दे रहा है साफ आपको, M है. That means what? Both are required to give the answer. So your answer will be both first and second are sufficient to give your answer. Clear? So let us move for the next question. क्या है देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपके पास. क्या आ रहा है क्वेश्चन, द कोड फॉर गिव मी वाटर इज 719 एंड द कोड फॉर यू कैन ब्रिंग वाटर इज रिटन एज 574186. ये दो आपके पास स्टेटमेंट है. और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोड फॉर वाटर, वाटर का कोड क्या है. ठीक है,
अब साथ में आपके पास में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ यही दो स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो वाटर का कोड कोई भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इट मे बी 1, इट मे बी 9, ओके, दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट वी कांट डिटरमाइन, ओके। दूसरा क्या है, द कोड फॉर यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी। अब अगर हम इसको देखें तो यहां से भी कोई भी कोड हो सकता है, दैट मीन्स कि मुझे यहां से भी नहीं पता चल रहा। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमने क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम कॉमन देखते हैं तो वाटर इज कॉमन इन बोथ, ओके, और साथ में एक और कॉमन वर्ड है, दैट इज मी, दोनों कॉमन है। अब दो कॉमन है, दैट मीन्स कि यहां पे हमारे पास में कोड भी दोनों का होगा। तो यहां पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास में क्या आ रहा है, 1 इज कॉमन, ठीक है, एंड 7 इज कॉमन। देखिए 1 एंड 7 दोनों के अंदर आ रहा है, ओके, दैट मीन्स कि 1 और 7 किस किस का कोड हो सकता है, या तो ये कोड होगा आपके पास में वाटर का, या फिर ये कोड किसके लिए होगा आपके पास में मी का। अब मुझे पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 जो है दैट इज फॉर वाटर, ऐसा भी हो सकता है 1 फॉर मी, नहीं पता हमें। दैट मीन्स कि अगर हम दोनों को भी कंबाइन करते तो भी अपना आंसर नहीं आ रहा है, सो योर आंसर विल बी नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशियंट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पी फ्रॉम बॉटम इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। पी का रैंक आपको फाइंड आउट करना है, और साथ में आपको ये भी गिवन है कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब देखिए अगर हम यहां से देखते हैं क्या गिवन है, एम इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन एम एंड पी, एम एंड पी। अब कह रहे हैं कि जो एम है दैट इज थर्ड फ्रॉम टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स कि यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो पी है, पी की पोजीशन कितनी हो गई, 9th हो गई टॉप से। अब हमें टॉप से पोजीशन पता है, टोटल नंबर भी पता है, दैट मीन्स कि वी कैन इजिली फाइंड आउट, ओके, डन। टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट है, और टॉप से हमें पता है कि पी की पोजीशन क्या आ गई, 9, दैट मींस कि बॉटम से कितनी होगी, माइनस करेंगे कितना हो गया, अगर हम बॉटम से फाइंड आउट करेंगे, देन 30 माइनस 9 प्लस 1, ओके। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसकी पोजीशन कितनी आ गई बेटा, ये आ गया आपके पास में 22nd, ओके। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट से अपना आंसर आ रहा है, ओके, दैट मींस कि फर्स्ट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सिर्फ फर्स्ट से हम नहीं कह सकते कि हां जी आंसर कर दो, सेकंड को मत चेक करो, मैं बार-बार यही कह रही हूं, अगर फर्स्ट से आंसर आ रहा है तो सेकंड को भी चेक करना आपने, इधर और हो सकता है। अब यहां पे देखिए क्या है, द रैंक ऑफ के इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, रैंक ऑफ के इज फोर्थ फ्रॉम बॉटम, ओके, एंड देयर आर 17 स्टूडेंट बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में कितने स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट है, बीच में है 17, दैट मींस कि पी यहां पे आ गया, पी का क्या हो गया, 22nd पोजीशन हो गई। अब ये बॉटम से ही बता रहा, दैट मींस कि यहीं से मेरे पास आंसर आ गया, मींस व्हाट कि सेकंड से भी हम आंसर कर सकते हैं, सो योर आंसर विल बी ईदर 1 और 2 इज सफिशियंट, मींस कि 1 और 2 दोनों से आपका आंसर आ सकता है। क्लियर, नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास। हां जी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ग्रास का कलर आपको बताना है क्या है, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमें नहीं पता कि जो ग्रीन कलर है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इवन ही नहीं है। हमें पता है कि जो फ्रेश ग्रास है उसका होगा ग्रीन, एंड फॉर दैट वी शुड नो द कोड ऑफ ग्रीन। तो फर्स्ट से नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स कि फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या करें, येलो इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। तो यहां पे उसने कोड प्रोवाइड किया, दैट मींस किससे अपना आंसर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हितेश डिड नॉट, पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड हितेश विजिट द जू, कौन से डे पे हितेश गया है जू के। अब यहाँ पे पहला है, हितेश डिडंट विजिट जू इधर ट्यूजडे और थर्सडे, ट्यूजडे और थर्सडे को नहीं गया, नहीं गया, बाकी के तो हमारे पास में 5 दिन है, उसमें से तो कोई भी आंसर आ सकता है, दैट मींस कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वी कांट आंसर, नहीं आंसर कर सकते, ओके। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या करें, हितेश विजिटेड जू
टू डेज बिफोर हिज मदर, अपनी मदर से दो दिन पहले गया. रीच्ड हिज हाउस बिफोर हिज मदर रीच्ड इन हाउस विच वॉज द डे बिफोर, सॉरी डे आफ्टर मंडे. अब डे आफ्टर मंडे दैट मीन्स कि ट्यूजडे. अब यहां से मुझे पता चल गया कि भाई मदर कब आई है, ट्यूजडे को आई है. अब उसने क्या कहा है कि वो कब गया है, विजिटेड टू डेज बिफोर. बिफोर तो ट्यूजडे से टू डेज बिफोर अगर हम देखेंगे तो क्या आ गया, संडे. दैट मीन्स कि यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो योर आंसर विल बी सेकेंड अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर. ओके, ओके, क्लियर है सभी को. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन. देखो बिल्कुल आराम आराम से मैं करवा रही हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें बिल्कुल भी नहीं है नॉलेज, मीन्स कि अभी हमने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है. हम चाहते हैं कि साथ साथ में हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए. ओके, तो बिल्कुल आराम आराम से करवा रहे. सो ट्राई कि अच्छे से उसको पॉइंट को आप समझो. अगर कोई भी फिर भी कोई इश्यू आते हैं, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है, हेल्पफुल है, देन यू कैन लाइक द वीडियो. आपकी मर्जी है, यू कैन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, अगर समझ आ रहा है तो शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी. नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ एम इज रिलेटेड टू एन. पी हु हैज टू किड्स एम एंड एन. पी जिसके की दो किड है, कौन कौन है, एम एंड एन, इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन. यहां पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है. क्या कह रहा है कि जो पी है, ये पी है, इसके दो किड है, कौन है, वन इज एम एंड वन इज एन. अब हमें नहीं पता कि पी मेल है फीमेल है, एम एन मेल है फीमेल है, कुछ नहीं पता. ठीक है, जस्ट हमें लेवल पता है कि हाँ जी किड्स हैं, दैट मीन्स कि इनका लेवल नीचे आएगा, इसका लेवल ऊपर आएगा. इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, कौन, पी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, क्यू की मदर इन लॉ है. ओके, अब यहाँ पे क्यू दैट मीन्स कि इस लेवल में कहीं पे आएगा, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा, तो हमें फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे कर देते. ओके, मदर इन लॉ ऑफ क्यू दैट मीन्स कि इसके किसी एक चाइल्ड की वो आपकी वाइफ है. देन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, जो कि सिस्टर इन लॉ, जैसे उसने कहा सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स कि मुझे क्या पता चल गया कि जो क्यू है वो फीमेल है और वो ये जो है, ठीक है ना, इसकी वाइफ है, एम की वाइफ है. दैट मीन्स कि यहां से मुझे ये पता चल गया कि एम क्या है, मेल है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग्स है. क्लियर, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि एम कैसे रिलेटेड है, एम इज ब्रदर ऑफ एन. यहां से हमें उसका जेंडर पता चल गया, दैट मीन्स कि हम बता सकते हैं क्या है, वो ब्रदर है. ओके, तो यहां से अपना आंसर आ सकता है. That means कि first is sufficient, but यहीं पे नहीं रुकना, आपने second के लिए भी check करना है. अब जब हम बात करते हैं बेटा second की, तो second में देखिए क्या कह रहे हैं. R is sister in law of M. R is sister in law of M. That means कि M की sister in law है. That means कि ये क्या है, M की wife है. ठीक है ना. अब यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते अभी तक, तो जब तक इस statement को आप पढ़ते हो ना, यहाँ तक सिर्फ इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि एन, क्योंकि यहां तक अभी तक एन नहीं कहा. उसने सिर्फ ये कहा कि हाँ जी सिस्टर इन लॉ है किसकी, एम की. दैट मींस कि जो एम है, एम का ब्रदर जो है उसकी वाइफ है ये. ओके, आगे क्या कहा, हु हैज ओनली टू किड्स एम एंड एन. ओके, सिस्टर आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस. डॉटर इन लॉ किसकी है, एस की. एस की डॉटर इन लॉ दैट मीन्स कि एस के जो बच्चे हैं, एस का बेटा है उसकी वाइफ है. तो एस का बेटा है यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वो वाइफ है. हु हैज टू किड्स, हु दैट मीन्स कि एस की बात हो रही है, जिसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से, एम एंड एन. अब एम तो ये यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि दिस इज एन. क्लियर, अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई एम जो है दैट इज मेल, बट मुझे यहां से ये नहीं पता चल रहा कि जो एम है That is male or female. हाँ, दोनों को कंबाइन कर दे फिर हम बता सकते, बट सिर्फ सेकेंड की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते. ओके, सो आपका क्या आंसर रहेगा कि फर्स्ट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर. क्लियर, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन अवर वेबसाइट. देखिए दो तरह से कोर्सेज अवेलेबल है, वन इज कंप्लीट कोर्स, वन एंड द सेकंड वन इज क्रैश कोर्स.
अगर अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 23 के एग्जाम के लिए, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस यू शुड गो फॉर द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ओके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी 2022 के लिए, ठीक है, तो उसके लिए टाइम काफी कम है. ऑब्वियसली अभी हमें कम टाइम के अंदर प्रिपेयर करना है. इन दैट केस आपको जाना है किसके लिए, क्रैश कोर्स के लिए. ओके, अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक गिवन है, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. अभी अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है. जो 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बाद में ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, उनको अभी पहले फोकस करना है अपने सिलेबस पे. ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. क्लासेस ओवर.